हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अरुणाचल ट्रिप। आज एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 3 में मैं आपको दिखाऊंगा सांगती विलेज के बारे में। जैसा कि आपको मैंने एपिसोड नंबर 2 में दिखाया कि कैसे मैंने शेरगांव से लेके सांगती वैली तक का सफ़र कंप्लीट किया और सफ़र कंप्लीट करते करते किस किस जगह में मैंने एक्सप्लोर किया। और साथ में आपको शुक्रिया भी करूँगा कि मैंने आप लोगों ने जैसा मुझे एपिसोड नंबर 1 और 2 में प्यार दिखाया, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहेंगे और वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप शेयर कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के एपिसोड में बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मैं लेनी होमस्टे में रात को स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े लोकल सांगती विलेज का टूर करने, ये देखने की सांगती विलेज में क्या क्या मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाते हैं सांगती विलेज में है क्या क्या। चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। हमारी जर्नी ठीक सांगती रिवर के साइड में से ही शुरू हो गई। यहाँ से पैदल चलते चलते हम गांव की तरफ चल देते हैं। मौसम भी सुहाना था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उसके बाद हमने खूबसूरत गांव को एंटर किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत फॉरेस्ट है चारों तरफ। दिस इज लोकल कीवी जो कि हमें मिला है अभी ये सांगती वैली में। ये अभी तक पका नहीं है, पकने के बाद बेचेंगे ये लोग। बहुत ही है यहाँ पे पेड़ पौधे, देख लीजिए ये रहा कीवी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये लोग खेती करते हैं कीवी का। आप लोग आने से जब पकेगा खरीद के लेके जा सकते हो अपने घर के लिए। तो भैया ये कीवी का खेती कब से कब तक होता है? तो इसको क्या बोलते हैं, लगा कि 5 साल जैसे इसने उसको फिर 5 साल में फल देना शुरू कर देता है। तीन साल में देता है। और ये फ्रूट्स पक कब जाता है? कौन से महीने में पकता है? आइडिया नहीं है। अभी तो जैसा देख रहे हैं 1-2 महीने में शायद पक जाएगा ना? पक जाएगा। तो विंटर में नवम्बर तक पक जाता है? पक जाएगा। तो आपका खुद का किया हुआ ही है जमीन, मतलब इतना सारा जो है। हाँ। आप लोग यहाँ से ये बेचने के लिए बाहर भेजते हो या खुद ही खाते हो? नहीं, बेचते हैं, खुद ही खाते हैं और बेचते भी। बाहर भी बेचते हैं ना। अब तो मछली भी पकड़ते हो, मैं देखा आप जाल बना रहे थे। हाँ। कल मारने अभी मार रहे थे ना कल जो? हाँ, हम था। यहाँ पे क्या क्या फिश मिलता है? ट्रॉट तो मिल जाता है ना? ट्रॉट नहीं मिलता, दूसरा क्या मिलता है? लोकल मिलता है ना, मछली तो मिल तो जाता है ना। चलिए थैंक यू। आपका नाम एक बार? सिरिमलुस। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो की फर्म से निकलने के बाद हम अपना जर्नी फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं गांव की तरफ। ये हैंगिंग ब्रिज मिला जो जस्ट बाय द साइड ऑफ रिवर व्यू होमस्टे है। हमें पता चला और एक हैंगिंग ब्रिज है जो कि थोड़ी दूरी में है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है फोटोग्राफी के लिए, घूमने के लिए। नदी का हाल देखिए। बारिश के कारण रोड कंडीशन थोड़ा खराब हो चुका था, इसलिए जाने में हमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरे हैंगिंग ब्रिज में जो कि ठीक सामने आपको उधर दिखाई देगा। ये हमारे होम स्टे से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा दूर नहीं। पहले हमको एक हैंगिंग ब्रिज मिला जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, अभी दूसरा वाला ब्रिज मिला जो हम होमस्टे के ऑनर से बात कर रहे थे। पता चला कि जब बारिश का सीज़न आता है तो यहाँ पे नदी का जो वाटर लेवल आता है वो ब्रिज को छू जाता है, इतना पानी होता है। तो ब्रिज के आसपास जाने से आपको दिखाएंगे कि ब्रिज का हाइट कितना है और वहाँ पर इस बार पानी का हालत कैसा था बारिश के बाद। तो हम जो सुन रहे हैं हर तरफ की अरुणाचल में बहुत लैंडस्लाइड हुआ बारिश के वजह से, 5 डेज कंटिन्यूस बारिश था यहाँ पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ओनली। पर अगस्त के 29 या 30 से लेके सेप्टेम्बर 3rd या 4th तक कंटिन्यूस बारिश था, जिसके वजह से कई सारा जगह में हैवी रेनफॉल हुआ कल रात को भी हमें थोड़ा बारिश मिला, इसके वजह से रोड का कंडीशन थोड़ा खराब है, बाकी तो सब सही चल रहा है।
सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हैंगिंग ब्रिज जो कि यहाँ पे है। लुकिंग एट द कंडीशन वी हैव डिसाइडेड दैट एक एक करके जाएंगे, चार लोग जाने से शायद ये टूट भी सकते हैं। हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करना उतना मुश्किल भी नहीं था लेकिन उतना आसान भी नहीं था। आप अगर डर गए तो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना है, उसके बाद आप आराम से इसको क्रॉस कर लोगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट लग जाते हैं क्रॉस करने में। हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग सीधे चले जाते हैं गांव के अंदर, जहाँ पे दो कुत्ते हमारा वेलकम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत अनार के पेड़, चारों तरफ अनार के पेड़ फैले हुए थे और सभी पके हुए। तो हमने डिसाइड किया पेड़ से 2-4 निकाल के खाया जाए। लोकल लोग बहुत ही शांत स्वभाव के थे। हमने जब उनसे परचेस करने को चाहा तो उन्होंने हमें डायरेक्टली खाने के लिए ऑफ़र किया और कुछ पैसे भी नहीं मांग रहे थे। उल्टा बोले कि आप हमारे मेहमान हैं तो आप जितना हो सके खाइए, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ खरीद के बाकी लोगों के लिए लिया जाए। तो हमने तो इन भाई सब को बोला तो ये अपने पैर से खुद ला के हमको दिया और कुछ हाथ तो हमने खुद प्लग करके ले लिया पैर से। दूसरी ये बात कि यहाँ पे जो हमें अनार मिला उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। लोग बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत हेल्पफुल थे। हमने अनार के साथ साथ 2-4 सब्ज़ियाँ भी वहाँ से खरीद ली जाते वक्त। तो थैंक यू वंस अगेन मुझे इतना प्यार देने के लिए मेरे पहले 2 वीडियोज़ को, साथ ही में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो को आप पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हो सके तो वीडियोस में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही में हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो में यही तक का सफर था, यही पे ख़त्म होता है। थैंक यू वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय। वीडियो बनाए थे।